ऐसे कमाल के किचन कुकिंग टिप्स रोज़ काम आएंगे। आइए देखते हैं। नंबर वन, खाना चटनी के बिना अधूरा है, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। समोसे से लेकर खिचड़ी तक का, कबाब से लेकर बिरयानी तक, ज़्यादातर खानों का स्वाद दोगुना हो जाता है। मगर तब क्या करें जब आपकी चटनी में ही भरपूर स्वाद ना हो। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह जब आप धनिया पुदीना की चटनी बनाएं तो पुदीना, अदरक, लहसुन और टमाटर के साथ थोड़ी सी बेसन की सेव या भुजिया भी पीस लें। इससे नींबू का रस मिलाएं और स्वाद अनुसार नमक। यकीन मानिए, इतनी टेस्टी चटनी आपने लाइफ में नहीं चखी होगी। नंबर टू, कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें पकाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। आलू और टमाटर जैसी चीज़ों को जल्दी पकाया जा सकता है, लेकिन बीन्स, गोभी, शिमला मिर्च और लौकी जैसी सब्जियों में समय लग सकता है। इसके लिए आप उन्हें गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें, फिर पानी से निकालकर तेल में डालकर फ्राई कर लें। इससे आप मिनटों में सब्जियां पका सकेंगी। फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ध्यान से एक एक टिप सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगी। अगर स्किप कर देते हैं, एक भी टिप्स आपके समझ में नहीं आएगी। टिप्स नंबर थ्री, लौकी और तोरई को सीटी लगाकर भी पकाया जा सकता है, तो एक सीटी में ही अच्छे से पक जाता है। नंबर फोर, अगर आपकी भी अक्सर ये शिकायत रहती है कि जब आप कोई चीज़ डीप फ्राई कर लें या सैलो फ्राई करें करके बनाते हैं तो वो उतनी क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनती है, तो एक सीक्रेट एक्सपर्ट टिप्स आपके लिए है। फ्रेंच फ्राइज हो, कटलेट या फिर समोसे, उन्हें फ्राई करने से पहले कम से कम आधा घंटे, एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आपको अगर जल्दी है तो आप 10-15 मिनट के लिए उन्हें फ्रीजर में भी रख सकती हैं। ऐसा करने से आपका फ्राइड फूड ना सिर्फ ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनेगा बल्कि ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहेगा भी। तो अगर आप इस तरीके की कोई चीज़ बना रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बनाने के बाद आप उन्हें तलने से पहले फ्रिज में रख दें, एकदम क्रंची बन आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। क्या आपकी भी रोटी बनाने में देर लगती है? अगर 2-3 लोग साथ खाना बैठ जाएं तो रोटी बनते बनते टाइम लगने लगता है। हम इससे पहले भी आपको रोटियां जल्दी पकाने की ट्रिक्स बता चुके हैं। यह एक नई ट्रिक भी आप नोट कर लें। आटा गूंथने के बाद उसे काउंटर टॉप पर फैला लें। बेलन से पूरे आटे को बेल लें। इसके बाद कटोरे की मदद से इसमें 6-7 कट लगा लें। आपकी रोटियाँ तैयार हैं, उन्हें तुरंत सेक कर परोसें। जब तक सामने वाला उन्हें ख़त्म करेगा, आपको और रोटियां बनाने का समय मिल जाएगा। नंबर सिक्स, चावल पकने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से बनाकर रखा हो तो काम आसान हो जाता है। वहीं कई बार पानी ज़्यादा पड़ जाए तो चावल कुकर के किनारे और चिपक जाते हैं। ऐसे में आपको यह ट्रिक आजमानी चाहिए। पहले कुकर में एक छोटा चम्मच घी या तेल डालकर गर्म करें। इसके पानी और चुटकी भर नमक डालकर उबाल लें और फिर चावल डालकर 2 सीटी में पका लें। चावल पक भी जाएंगे और चिपकेंगे भी नहीं। तो ये बिल्कुल ही अच्छी टिप्स होती है चावल बनाने वाली, बिल्कुल भी आपके बर्तन में नहीं चिपकेंगे, परफेक्ट चावल आपके बनेंगे। टिप्स नंबर सेवन, लहसुन और अदरक पीसने में आपको भी दिक्कत आती है। हम लोग अपने काम को आसान करने के लिए उन्हें ग्रेट कर लेते हैं, लेकिन उनका असली मज़ा पीसकर खाने में मिलाने से ही आता है। अब लहसुन और अदरक को कूटने में कूटते हुए दिक्कत यह आती है कि इधर उधर छटकने लगते हैं। ऐसे में उन्हें बराबर रूप में पीसना मुश्किल हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि लहसुन और अदरक को बिना परेशानी के कूटें तो कूटने में लहसुन और अदरक चुटकी भर नमक डालकर पीस लें। इससे आराम से आप लहसुन और अदरक को पीस सकेंगी। नंबर एट, पहले दाल में सीटी लगाएं और फिर उसके लिए अलग से तड़का बनाएं। इसी में आपके 25-30 मिनट लग जाते हैं। दाल को जल्दी पकाना है तो यह ट्रिक आजमा कर देखें। आप जो भी दाल बना रहे हैं उसे प्रेशर कुकर में टमाटर और बाकी मसालों के साथ सीटी लगा लें। सीटी लग जाने के बाद एक पैन में तड़का तैयार करें और दाल में मिलाकर मैश कर दें। 2-3 मिनट तक दाल को पकने दें और देखिए हो गई आपकी दाल तैयार। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है दाल को जल्दी आपको बनाना है, आप इस ट्रिक से साथ में बना सकते हैं। टिप्स नंबर 9, अगर सब्जी में से जलने की बदबू आ रही है तो ब्रेड के कुछ टुकड़े डालकर ढक दें और कुछ देर बाद निकाल दें। आपकी सब्जी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। अगर गलती से कभी तले में, कढ़ाई में बनाते समय सब्जी लग जाती है, जल जाती है, तो आप इस टिप्स को फॉलो करके देख सकते हैं। नंबर 10, अगर आप पनीर की सब्जी बना रहे हैं तो पनीर को तलने के बजाय उसे उबले पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दें। पनीर सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा। तो ये भी टिप्स बहुत अच्छी होती है, पनीर एकदम सॉफ्ट रहे आपकी सब्जी में। नंबर 11 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को फुल देखें और अगर चैनल पर पहली बार आए, एक सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर अंडा टूट गया हो तो पानी में एक छोटा चम्मच विनेगर डालकर अंडा उबालें। ऐसा करने से इसका लिक्विड बाहर नहीं आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12, लहसुन को छीलने में दिक्कत होती है तो इसे तवे पर हल्का गर्म कर फिर ठंडा कर छीलें। अगर लहसुन को आसानी से आप छीलना चाहते हैं, एक साथ सारा लहसुन छील रहे हैं, थोड़ा सा तवे पर हल्का सा ही गर्म करना है, बस छिलका आसानी से उसका निकल जाए। बहुत सारे तरीके होते हैं लहसुन छीलने का, ये भी एक टिप्स होता है। नंबर 13, कपड़े पर से पान के दाग हटाने के लिए गर्म दूध में नींबू का रस डालकर रगड़ दें, दाग साफ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टिप्स, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दिया करें, आपको कौन सी टिप्स यूजफुल लगी है, नहीं लगती है तो अपनी राय भी दे सकते हैं। टिप्स नंबर 14, तैयार इमली की चटनी में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, धनिया और लाल मिर्च पाउडर डालें, इससे स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 15, दूध को उबालते समय इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें, चाय हर बार बढ़िया बनेगी। नंबर 16, अगर आप कटहल की सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी तैयार हो जाने पर इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें, स्वाद बढ़ जाएगा। तो कटहल की सब्जी में अगर आप थोड़ा सा आधा नींबू का रस डाल दें, जितनी आपकी सब्जी उस हिसाब से टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है सब्जी का। नंबर 17, खीर में गाढ़ापन बढ़ाना है तो खीर में नारियल का बुरादा डालें, स्वाद और गाढ़ापन दोनों बढ़ जाएंगे। टिप्स नंबर 18, अगर आप कोई ऐसा व्यंजन बना रहे हैं जिसमें मसाले बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें रेसिपी में डालने से पहले उन्हें भून लें ताकि वे अच्छे से फूल जाएं। आपको उन्हें सिर्फ पैन में तब तक पकाना है जब तक कि उनसे खुशबू ना आने लगे, जिससे लगभग 30 सेकंड में 1 मिनट तक का समय लगता है। तो अगर आपको किसी भी सब्जी में मसाले भून करके, मतलब साबुत मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, जो भी साबुत मसाले हैं, आप उन्हें पहले थोड़ा सा रोस्ट कर लें, तब उनको पीसें मिक्सी में, बहुत ज़्यादा ही खुशबू और टेस्ट अच्छा हो जाएगा मसालों। टिप्स नंबर 19, पास्ता के लिए टमाटर सॉस पकाने के अंत में 1 या 2 चम्मच मक्खन डालने से स्वादिष्ट और भरपूर स्वाद मिलता है। नंबर 20, अदरक का छिलका चम्मच से छीलें, चाकू से छीलना बहुत बेकार है और चम्मच से छीलना बहुत आसान है। अगर आपको छिलका हटाना है अदरक का तो चम्मच से बहुत अच्छे से निकल जाता है। 21, अगर आप बढ़िया फ्राइड राइस बनाना चाहते हैं तो रात भर फ्रिज में रखे पके हुए चावल का इस्तेमाल करें। तो अगर आपके पास चावल बच भी जाते हैं तो आप उनसे फ्राइड राइस बनाएंगे तो आपके फ्राइड राइस बहुत ज़्यादा ही अच्छे बनेंगे। या फिर आप तुरंत बना के चावलों का बना रहे हैं तो पहले चावलों को अच्छे से ठंडा कर लें, आप चाहो तो पंखे में भी रख सकते हैं। 22, साबुत मसाले खरीदें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से पीस लें। साबुत मसाले ज़्यादा किफ़ायती होते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं और ताज़े पिसे हुए मसालों का स्वाद बेमिसाल होता है। टिप्स नंबर 23, अदरक को फ्रिज करें और बिना छीले उसे कद्दूकस कर लें। छिलके कद्दूकस के बाहर ही तरफ रह जाते हैं और फ्रीज़र में लंबे समय तक टिके रहते हैं। आपके पास हमेशा ताज़ा अदरक मौजूद रहेगा। तो अगर आपको अदरक का ये टिप्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप में से कोई इसे फॉलो करता है तो भी अपनी राय ज़रूर से कमेंट में बताएं। टिप्स नंबर 24, मानसून के कीड़ों को कैसे रखें दूर, उन्हें भगाने के लिए यूके टिप्स नीम, लेवेंडर या पेपरमेंट जैसे आवश्यक तेलों से स्प्रे का प्रयोग करें। उनकी तेज़ गंध कीड़ों को दूर रखती है और साथ ही आपके घर को ताज़ा महकने में मदद करती है। आप अपने घर के कोनों में दालचीनी पाउडर भी छिड़क सकते हैं। 24, बारिश में जब जूते पानी से भीग जाते हैं तो सूखने के बाद भी कई बार स्मेल रह जाती है, वहीं इन स्मेल वाले जूतों को पहन लिया जाए तो पसीने की वजह से बैक्टीरिया पनपने लगते हैं और बदबू तेज हो जाती है। ऐसी बदबू को दूर करने के लिए आलू के छिलकों को बस जूतों के अंदर रात भर के लिए छोड़ दें, आलू के छिलके सारी बदबू को सोख लेंगे। 25, किचन के सिंक को लेकर नल में पर पानी के धब्बे जमना शुरू कर देते हैं तो जो लाख कोशिश के बाद भी डिटर्जेंट से साफ नहीं होते। इन्हें जमे हुए पानी को धब्बों को दूर करना है तो आलू के छिलकों को लेकर सिंक की सफाई करें, सारे धब्बे कुछ ही देर में छूट जाएंगे।